तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथीलियम को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसका ग्राउंड सबस्टांस, कनेक्टिव टिश्यू सब कुछ होंगे, बट सिर्फ एपिथीलियम डिफरेंट होंगी। तो हम वो ग्राउंड सबस्टांस, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन सब कुछ बना लेते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। और वो सब के लिए होगा, वो सिर्फ एक दफ़ा बनेगी। वो जो भी एपिथीलियम आएगी आपके पेपर में, जैसे सिंपल स्क्विमस आ रही है, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस आ रही है, जो भी आ रही है, उसके लिए वो सेम हो गया। तो लेट्स ड्रॉ। सबसे पहले आपने बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ करनी है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इससे आपने ड्रॉ करनी है, ओसिन से। ये आपने बेसमेंट मेम्ब्रेन जरा डार्क करके ड्रॉ कर ली। ओके, अब आपने और क्या क्या इनमें चीजें ड्रॉ करनी है। यू नो आपके कनेक्टिव टिश्यूज में क्या क्या चीज़ें पड़ी होंगी, सेल्स होंगे कनेक्टिव टिश्यू के, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगी, ग्लैंड्स होंगे। अब ग्लैंड्स बना देते हैं। ये है म्यूकस एसिनर, और ये वाले हैं सीरस एसिनर। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी एक दो सीरियस एसिनर ड्रॉ कर लें। ओके, यहाँ पे इनके न्यूक्लियाई ड्रॉ कर लें। ओके, यहाँ पे भी इसी तरीके से न्यूक्लियाई ड्रॉ कर ली। ओके, यहां पे आपने ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और सीरस एसिनर म्यूकस एसिनर बना लिए। अब यहां पे एडिपोसाइट्स के सेल्स की एग्रीगेशन करवा दें। ऑलमोस्ट नो के इसको किस तरह से बनाते हैं। ओके, ये आपके आगे एडिपोस टिश्यूज। अब यहाँ पे आपने ग्राउंड सब्सटेंस बनाना है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आप कह लें कि कनेक्टिव टिश्यू सेल्स है, जिनमें फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजिस, मास्ट सेल, लिम्फोसाइट्स, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो ये वो चीजें हैं। और आपके इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन के जो फाइबर्स होते हैं उनको भी ड्रॉ करना है। ओके, यहां पे हमारे पास इस तरह से सीरस एसिनाई, एडिपोस टिश्यूज, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, और आपके डिफरेंट फाइबर्स आ गए, कोलेजन के फाइबर्स हैं, इलास्टिक के फाइबर्स हैं। तो अब इसको थोड़ा सा डार्कन कर लें। इसका ख्याल करते हुए या आपकी जो भी एपिथीलियम आ जाएगी, तो आपने उसके नीचे ये जो है ये कॉमन है सब में, इसमें सब में आपने इसको ड्रॉ करना है।
तो इसको लेबल कर लेती हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। सबसे पहले तो है सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज में क्या है आपके पास? आपके पास मैक्रोफेजिस है, आपके पास मैक्रोफेजिस, लिम्फोसाइट्स, मास सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, ये आपके पास है कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स। अब ये फाइबर्स कौन से हैं? ये कोलेजन के फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स। ओके, ये है आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, ये है एडिपोसाइट, क्लियर है? एडिपोसाइट लेयर। ओके, ये तो आपके कॉमन है, ये आपने सब में बनानी है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर सिर्फ इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को लें तो हमारे पास यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएंगी, और हम अब सिर्फ इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथीलियम को ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, अगर सिंपल स्क्वेमस आपको पेपर में आ जाए, सिंपल स्क्वेमस ड्रॉ करें, आपने पहले ये चीज ड्रॉ कर ली, अब इसके ऊपर सिंपल स्क्वेमस आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से आप बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर स्क्वेमस के सेल्स आप ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, इस तरह से आपने ड्रॉ कर दिया, इसके न्यूक्लिया आपने ड्रॉ कर लिए, इसके न्यूक्लिया ड्रॉ हो गए, और इसको थोड़ा सा हल्का सा डार्कन कर लिए सेल्स को। तो इस तरीके से आपने पेपर में बना देना, और इसको लेबल कर लेना आपने कि ये सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम है। अब हम बारी बारी सब एपिथीलियम्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। दिस इज कॉमन इन एवरी एपिथीलियम। सो नाउ, अब अगर सिंपल स्क्वेमस की बात की है तो आपको बताया है मैंने कि सिंपल स्क्वेमस किस तरीके से ड्रॉ करनी है। ओके, इस तरह से सिंपल स्क्वेमस आपने ड्रॉ कर ली। ओके, ये आपकी सिंपल स्क्वेमस आ गई। अब सिंपल क्यूबॉइडल कैसे क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल आपको पता है कि डोम शेप सेल होंगे, डोम लाइक मस्जिद का गुंबद होता है इस तरह से, ये डोम शेप है, ये डोम शेप सेल्स आ गई हैं, ये डोम शेप सेल्स हैं, तो इनका न्यूक्लिया इस तरह से, इनके न्यूक्लिया यहाँ पे आ गए। ओके, अब कॉलमनर है, कॉलम, यू नो कॉलम लाइक पिलर्स, पिलर्स आप सबने देखे हुए, पिलर्स ऐसे क्या होते हैं, इस तरह का पिलर होता है जिसने सपोर्ट किया होता है आपकी रूफ को, तो इस तरह के आपने पिलर्स ड्रॉ करते जाने हैं। ओके, सेल्स वगैरह पिलर्स ड्रॉ कर दिए, और इनके न्यूक्लियाई बेसमेंट मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास होते हैं। ओके, अब ये सिलिएटेड है, तो इनके ऊपर आपको सिलिया भी ड्रॉ करने होंगे, सिलिया, सिलिया, यू नो हेयर लाइक अपेंडिजेस, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, दीज आर सीरियस। ओके, दीज आर सीरियस। अब उसके बाद
यहाँ पे आपका आ जाएगा नॉन सिलिएटेड है। अब नॉन सिलिएटेड एंड सिलियास तो होंगे नहीं, लेकिन सिलिया लाइक चीज़ें होंगी, लेकिन वो सिलिया नहीं होंगे, इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन सिलिएटेड। तो देख लेते हैं सिलिया में नॉन सिलिया लाइक चीज़ें, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ था जो इसकी कॉन्सेप्चुअल वीडियो थी, कि नॉन सिलियाज होंगे स्टीरोसिलियास, माइक्रोविलाई, और ये चीज़ें जो होंगी ये होंगी नॉन सिलियाज। तो वो देख लेते हैं। माइक्रो इस तरह से आपने इनके ऊपर प्रोजेक्शंस बना देनी है, दीज आर प्रोजेक्शंस। लेट्स लेबल देम। ये तो सीडियाज हैं, ये जो है ये माइक्रोविलाइज है, स्ट्राइएटेड बॉर्डर्स है, स्ट्राइएटेड बॉर्डर्स आर माइक्रो विलाई। ओके ये हो गया। अब हम आएंगे स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम्स के ऊपर, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस है। स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस, सॉरी मैं लिखना भूल गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस। स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस क्रेटिनाइज, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस नॉन क्रेटिनाइज। हमेशा इसके अंदर आपने याद रखना है कि जो इसकी बेसमेंट के ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, वो कॉलमनर सेल्स होते हैं, कॉलम लाइक सेल्स होते हैं। तो जैसे कॉलम बनाए थे हमने, उस तरह कॉलम्स ड्रॉ कर लेते हैं, दीज आर कॉलम्स। तो इसकी जो भी ये लेयर होगी वो कॉलम लाइक होगी, कॉलम लाइक, दीज आर कॉलम्स, कॉलमनर सेल लेयर्स। बाकी इसके ऊपर वाली जो भी लेयर्स आएंगी वो सारी होंगी पॉलीहेड्रल सेल्स या पॉलीगोनल सेल्स, इस तरह भी उनको बोल सकते हैं। तो उनको देख लेते हैं इस तरह से, पॉलीहेड्रल सेल्स। पॉलीहेड्रल सेल्स आ गए। अब इसके ऊपर आपको पता है स्क्विमस हमने लेयर बनानी, तो स्क्विमस होती है इस तरीके से। तो इस तरीके से जो स्पिंडल्स हैं उनको इस तरीके से हम बनाएंगे, तो इस तरीके से स्पिंडल्स आ गई हैं। ओके यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर स्पिंडल्स आ गए, स्पिंडल्स आ गए इसके ऊपर। एक और लेयर बना लेते हैं स्पिंडल्स की, एक और लेयर, ओके। यहां पे हमने डिफरेंट थ्री डिफरेंट लेयर्स बनाई हैं, तो लेट्स लेबल देम। कि जो नीचे वाली सबसे उसे हमने कहा वही है क्लोमनर, क्लोमनर सेल्स की लेयर है, और ये वाली जो है ये पॉली हेड्रल सेल्स की लेयर है, और ये है जो ये स्क्विमस सेल्स हैं, स्क्विमस सेल्स। ओके तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, इनके न्यूक्लियाई ड्रॉ कर लेते हैं, इनके डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, डिफरेंट न्यूक्लियाई हमने ड्रॉ कर लिए।
ओके, पर थोड़ा हल्का सा डार्क इन कर लेते हैं ताकि डिफरेंशिएशन आ सके। ओके फाइन, ये आ गई, ये है नॉन क्रेटिनाइज्ड। अब क्रेटिनाइज और नॉन क्रेटिनाइज में सिर्फ इतना फर्क है कि जस्ट अगर आप इनके ऊपर क्रेटिनाइज स्क्वेमस सेल्स की अगर एक लेयर आप बना दें तो इस तरीके से नॉन न्यूक्लिएटेड जो सेल्स हैं अगर उनकी आप इसके ऊपर लेयर ड्रॉ कर दें तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्रेटिनाइज में चेंज हो जाएगी। अगर आप नॉन क्रेटिनाइज वाली स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज के ऊपर ये अननूक्लिएटेड जो लेयर है अगर इसको ड्रा कर दें तो ये किस में चेंज हो जाएगी, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्रेटिनाइज में चेंज होगी। इसे हम बोलेंगे क्रेटिनाइज स्क्वेमस सेल्स, क्रेटिन स्क्वेमस सेल्स की लेयर है। तो ये इनके पास न्यूक्लियस नहीं है और इनको आप डॉकिन भी कर सकते हैं। ये लेयर डिफरेंट है तो इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ करना है। फिर आ जाती है आगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल की। अब क्यूबॉइडल सेल्स आपको पता है कि डोम शेप सेल्स होते हैं तो डोम बनाते जाएं। ओके, यहाँ पे डोम बन गए। इनके अंदर न्यूक्लियाई, ओके, इस तरह से आपने स्ट्रेटिफाइड की बॉर्डर बनानी है। अब क्लोमनर की बारी, स्ट्रेटिफाइड क्लोमनर। अब सर्टिफाइड क्लोमनर को कैसे बनाया जा सकता है, सिंपल। अब जस्ट इस तरह के लंबे लंबे से पिलर्स ड्रॉ करते जाए। और यहाँ पे दरमियान में इनके लाइन लगा दें, बस ये आपके होगी स्ट्रेटिफाइड। इनके न्यूक्लियर बना लें। ओके, ये आपकी बन गई स्ट्रेटिफाइड क्लोमर। अब है सूडो स्ट्रेटिफाइड क्लोमर। सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये है कि देखने में तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स लगती हैं लेकिन है ये एक ही लेयर है। तो इसको किस तरीके से आपने बनाना है, सॉरी इस तरह से आपने सेल्स ड्रॉ करनी है। इनमें कुछ है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स आपने इस तरीके से गॉबलेट बना देना है और फिर इस तरह से। ओके, इधर इस तरह से आपने यहाँ पे इस तरह कर देना है। ओके, अब इनके न्यूक्लियर बना लें आप। इनके न्यूक्लियर कैसे बना देंगे आप कि एक इनके मिडल में न्यूक्लियर, इनके तो मिडल में ही होंगे ना, और गोबलेट सेल में न्यूक्लियर नहीं होता, सॉरी।
देखने में तो इस तरह लग रहा है कि जैसे मल्टीपल लेयर्स है, लेकिन ये है एक ही लेयर है, तो सिलिएटेड हैं, तो अब इन पे सिलियास ड्रॉ कर ली, ग्लोबुलर सेल को छोड़ के, तो इस तरह से। अब नॉन सिलिएटेड है, सेम इसी तरीके इसी पैटर्न पे बनानी है, ओके। अब नॉन सिलिया, ये स्टीरो सिलियास, ये सिडिया से थोड़े से बड़े होते हैं, कंपैरेटिवली लेंथ में बड़े होते हैं, ओके। अब हमारी बारी है ट्रांजिशनल की। मैंने इस पेज को दो में हाफ में इसलिए कर दिया क्योंकि हम इसको कंपैरिजन इसका कर सकें कि लेट्स सी कि हमने क्या कि कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर जो आपकी ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल की तरह की होगी, तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल ये है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, तो इसी को सेम हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। इसे मैंने ये पेज इस तरह से थे बेसिकली, लेकिन वो ज़्यादा लेंथ में हो रहे थे तो मैंने कट कर दिया ताकि हम इसको वो कर सकें इसका कंपैरिजन। लेट्स सी इस तरह से इसको ड्रॉ करना, ये डोम शेप सेल है, ये डोम शेप्ड होते हैं सेल्स जो होते हैं, और इनके ऊपर प्लेक्स होते हैं, प्लाक्स। व्हाट इज प्लाक? प्लाक बेसिकली ये होता है कि जैसे अगर आप 3 या 4 दिन से टीथ ब्रश ना करें तो आपके टीथ के ऊपर कोई लेयर आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्लाक क्यूमुलेट हो रही है। तो प्लाक इधर भी इसके ऊपर प्लाक बनाते हैं, ये प्लाक्स इसके ऊपर प्लाक बन रहे हैं। तो ये प्लेक्स हैं इसके ऊपर, तो ये इंटर प्लेक एरिया, ये वाले जो व्हाइट व्हाइट बीच में इन दोनों के मिडिल में है ना, इस प्लेक का फायदा क्या है? ये वैसे ट्रांजिशनल एपिथीलियम जो होती है वो है आपकी यूरो एपिथीलियम है, तो यूरिन इज एसिडिक इन नेचर, तो प्लेक्स प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स क्यूबॉइडल सेल्स फ्रॉम द एसिडिक यूरिन, तो इस वजह से ये प्लेक्स ऊपर होते हैं। इसको लेबल कर लेते हैं प्लेक्स और इंटरप्लेक एरिया, ओके। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, तो हमें पता है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हमने किस तरह की बनाई हुई है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इस तरीके से बनाई हुई है, तो अब देखते हैं कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कैसे की लगेगी ट्रांजिशनल के अंदर। तो देख लेते हैं, हमने कहा था कि नीचे वाले कौन से हैं, क्यूबॉइडल है, सॉरी क्लोमनर है, नीचे वाली सेल क्लोमनर, ओके। अब इसके ऊपर पॉलीगोनल, इसके ऊपर पॉलीगोनल की लेयर आ रही है, पॉलीगोनल की लेयर आ गई, फिर इसके ऊपर स्क्वेमस सेल्स की लेयर आ गई, ओके। इसके ऊपर पॉलीगोनल की लेयर आ गई, पॉलीगोनल कह रहा हूँ, ये स्क्वेमस की लेयर आ गई। अब इनके न्यूक्लियर ड्रॉ कर लेते हैं, ये न्यूक्लियर ड्रॉ कर लिए, इनके न्यूक्लियर ड्रॉ हो रहे हैं,
ये न्यूक्लियर जो और सेम इसी तरह से इनके ऊपर कौन सा प्लेक, इनके ऊपर भी प्लेक्स बना देनी है, प्लाक्स और प्लेक जो भी आपका दिल करता है बोलने आप इसको। तो इस तरीके से आपने अपनी एपिथीलियम्स ड्रॉ कर ली, डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथीलियम्स लाइक दिस, सिंपल स्क्विमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस, क्रेटिनाइज्ड नॉन क्रेटिनाइज्ड, क्रेटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, सुडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड, सुडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर नॉन सिलिएटेड, ट्रांजिशनल एपिथीलियम विच हैव प्रॉपर्टी व्हेन द योर यूरिनरी ब्लैडर इज एम्प्टी, व्हेन योर यूरिनरी ब्लैडर इज एम्प्टी, योर यूरिनरी ब्लैडर इज इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, एंड व्हेन योर यूरिनरी ब्लैडर गॉट फुल, इट गॉट डिस्टेंडेड एंड द एपिथीलियम ट्रांसफर फ्रॉम क्यूबॉइडल टू द स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाफिज़।